वेलकम टू बैक टू द वुमेन, दिस इज अंकिता मोरे दिस साइड। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15 और मैं ब्रश करके बाहर आ गई। यहाँ पर कल होली सेलिब्रेट की थी और ओके सो आज का हमारा प्लान है कि हमने वो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे नहीं किया था, तो इसके पहले कि चिक्स एंड ऑल आ जाए हमें डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करना है। हमें उधर भूसा बिछाना है, सो दिस इज़ आवर टास्क फॉर द डे। उसके बाद फिर ब्रूडिंग के लिए क्या प्रिपरेशन होती है, तो हमने ब्रूडिंग के रूम का प्रिपरेशन देखा था। आफ्टर डिसइंफेक्टेंट एंड ऑल ब्रूडिंग के लिए जो प्रिपरेशन होती है आफ्टर प्रिपेयरिंग द ब्रूडिंग रूम वो हम देखेंगे। सो अभी इसके ऊपर हम चिक्स गार्ड लगाएंगे और चिक्स गार्ड के अंदर न्यूज़पेपर बिछाएंगे। सो दिस इज आवर चिक्स गार्ड और इसको हमें यहाँ पर बिछाना है। सो दिस इज बेसिकली टू प्रिवेंट द कॉर्नर्स, क्योंकि अभी इस रूम में कॉर्नर्स है, दिस 1, 2, 3। सो जस्ट टू प्रिवेंट दिस कॉर्नर्स सो दैट द चिक्स डोंट सफोकेट देयर सेल्फ्स, उसकी वजह से हमें चिक्स गार्ड लगाना है जो उनको एक पर्टिकुलर स्पेस देगा टू रोम अराउंड। तो फर्स्ट वी विल सेट दिस अप। चिक्स गार्ड इज ऑन एंड नाउ वी विल lay the newspapers over it. We are going to lay newspapers over this hay so that the chicks don't come in direct contact with this bedding that is hay, which if they try to consume this they can choke themselves. So we don't want to increase the mortality, so we'll try to prevent it and lay newspapers on this. We have also kept the stands for drinkers and feeders. So five stands for drinkers and 5 for feeders each. So we'll keep alternate drinker, feeder, drinker, feeder. I have kept it in round so that it's easily accessible and we don't have to step into the chicks. So no infection will be caused and we'll be even comfortable while walking with it so that we can easily access it through standing outside. That's why I have assembled it in a round shape. You can even assemble it in line, one drinker, one feeder, but just make sure your chicks don't have to travel to drinker and feeder. So keep drinkers and feeders beside each other so that it's easy for your chicks, and because they are so small they are not that much mature to go and search for water. So give them accessible source of water and feed. Now I'll place the jaggery water over this in drinkers so that once the chicks arrive we can just leave them here and we don't have to worry about anything. We have this adjustable so we can even adjust the height of feed amount that we have to disperse. So I'll keep it to lower. So this way we will assemble all the feeders. Everything. So this is 5 liters of water and we'll be making the jaggery water for chicks. This is the first thing we give them after receiving them. तो जब chicks hatch होते हैं egg में से, उसके बाद उनको एक vaccine दी जाती है hatchery में, जिसका नाम Morris है। वो उनको injection के through inject की जाती है उनके body में। That is the first vaccination dose
एंड उसके बाद उनको कुछ खाना पीना नहीं होता है, दैट्स डायरेक्टली व्हेन वी रिसीव देम, उसके बाद उनको हम फीड देते हैं. सो द फर्स्ट थिंग वी डू इज कि जैगरी वाटर देते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के वक्त चिक्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं इन कार, और वो शायद एक दिन तक भूखे रहे हो, तो उनको एनर्जी के लिए, जस्ट टू गिव देम एनर्जी, एक ग्लूकोज का डोज टाइप ऑफ हम उनको गुड़ का पानी देते हैं, दैट इज जैगरी वाटर. सो विल प्रिपेयर दैट. तो मैंने अभी 5 लीटर्स ऑफ वाटर लिया है और अभी हम उसमें डालेंगे नियर अबाउट 1/2 kg ऑफ जैगरी. ये इतना गुड़ मिक्स करेंगे हम, इसको बहुत ज्यादा बारीक कर लिया है ताकि वो मिक्स अच्छे से हो जाए. ये ऐसे गैदर होते हैं. हाँ एक काम करना, तो लाइटी ठलाओ आणि हा लाइटी ठलाओ. सेंटर ला लावून खाली घेऊ नको रे. सो इट्स करेंटली 11:45 और चिक्स ब्रूडिंग रूम में सेटल हो गया है, लेकिन हमने उनको अभी जैगरी का जो पानी दिया था वो हमको 1.5 या 2 घंटे तक ही रखना है, एंड उसके बाद हम उनको प्रोटॉन का यानी कि लीवर टॉनिक का मेडिसिन देंगे. तो हमें पानी चेंज करना होगा, और क्योंकि अभी ऑटोमेटिक ड्रिंकर्स नहीं है, मैनुअल ड्रिंकर्स है, तो फिर हमें वो चेंज करना होगा, तो मुझे जागना पड़ेगा. या और अभी 1:30 से 1:30 मैं उनका पानी बदल दूंगी रात को, अगर एक्चुअली शायद मैं अगर नींद में ना हो तो मैं वीडियो भी शूट कर लूँगी. उनका पानी बदलने के बाद आई विल जस्ट चेक कि वो अच्छे से सेटल हुए या नहीं, क्योंकि वो पूरा दिन दे हैव ट्रैवल्ड इसकी वजह से, और धूप भी काफ़ी थी. अभी समर है तो आइडियल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है. टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इतना कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, नॉट लाइट्स नथिंग, 1 या 2 LED lights काफ़ी हो जाते हैं समर्स में, तो दैट्स गुड थिंग. और एक्चुअली चिक्स वर सपोज टू अराइव इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून, पोल्ट्री सर्विसेज की डिलीवरी वैन वो लेट हो गई, तो उसकी वजह से वो रात को 8 बजे डिलीवर होने वाले थे एंड स्टिल दे गॉट लेट. उसके बाद भी उन्होंने डिले किया, तो अभी 11 बजे उन्होंने चिक्स को डिलीवर किया, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया. एंड फ्राइडे यानी कि कल सैटरडे, तो कल कॉलेज नहीं है, कल छुट्टी है, थैंक गॉड. कल और परसों 2 दिन मेरी छुट्टी होगी, तो आई कैन पीसफुली स्लीप फॉर लेट. लेकिन फिर भी चिक्स का पानी बदलना पड़ता है सुबह, तो जल्दी तो उठना ही पड़ता है. तो फिलहाल तो थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, अभी जस्ट घर में जाऊँगी और आई विल टेक अ शावर. प्रोटॉन डोज जो है वो यूजुअली दे सजेस्ट कि 5th डे से स्टार्ट करना चाहिए, बट मैंने जितने लॉट्स किए हैं, जितने लॉट्स पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जिस दिन
चिक्स अराइव होते हैं उस दिन या तो ग्रोटोन या फिर वाइमेरालिन, दोनों में से कोई एक, या तो लिवरटॉनिक या फिर विटामिन टॉनिक, इन दोनों में से कोई एक लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो है वो चिकन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, और अगर तब उनको सफिशियंट डोज मिल जाए देन देयर बॉडी गेट्स एफिशियंट टू इनटेक ऑल द विटामिन एंड प्रोबायोटिक्स वॉट एवर इट इज दैट वी सप्लाई देम एक्सटर्नली. तो जस्ट टू ग्रो देयर इम्यूनिटी एंड टू मेक देयर बॉडी हैबिचुएटेड टू दैट वी प्रोवाइड देम दिस मेडिसिन. सो इट्स करेंटली 12:45 एंड नाउ वी आर गोइंग टू फीड द चिक्स, क्योंकि हमने सिर्फ पानी चेंज किया था, उनका फीड नहीं दिया था. तो नाउ वी विल गो एंड पुट द फीड, लेट्स गो. आई जस्ट वॉश माय हैंड्स. It's near about 1. Okay, so it's 1 now and अभी तक गेट और गोडाउन का शटर बंद नहीं किया है. So I'm going to do that. Yeah. So this is locked. And everything is quiet outside. Ignore the sound, please. Okay, so finally chicks ko fit dalna bhi ho gaya hai. Aur I'm tired. I'm such a tired with happy face क्योंकि those chicks are so cute. इतने cute chicks होते हुए कोई sad हो ही नहीं सकता. So that's one thing. And मेरे बाल अभी तक गीले हैं अंदर से पूरे. तो once they dry, अभी अंदर जाके I'll try to dry them और उसके बाद I'll go to sleep. मुझे 1:30-2 बज ही जाएंगे टू स्लीप. ओके देन लेट्स गो, सी यू टुमारो, बाय. और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलना कि चिक्स आपको कैसे लगे, वेदर दे आर क्यूट और नॉट. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. तो लेट्स ब्रिंग दिस ब्लॉग टू एन एंड, क्योंकि अभी मुझे भी सोना है एंड इट्स ऑलरेडी 1. तो अभी आई हैव टू गो टू स्लीप रियली क्विक, क्योंकि कल सुबह फिर से जल्दी उठना है, चिक्स का पानी बदलना है एंड ऑल दैट रूटीन हैज स्टार्टेड अगेन. 4 महीने बहुत टाइम पास कर लिया. नाउ लेट्स जस्ट फोकस एंड गुड नाइट, बाय बाय.